आज मैंने फर्स्ट टाइम जो है साड़ी वेयर की है और अभी मैं जो हूँ बाइक पे हूँ और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का मतलब बारिश हो रही है एक्चुअली। और हम तीनों, क्योंकि हम ही तीनों ही होते हैं मोस्टली, तो बाहर थोड़ा सा टहलने जा रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाती। बहुत ही अच्छा इस वक्त व्यू है और बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर से बारिश वाला मौसम, बाइक राइड कितना मस्त लगता है कॉम्बिनेशन। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतना अच्छा वेदर हो रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मेरे मिस्टर हबी बाइक चला रहे हैं, बट खाली हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्रंट बैक खाली है। और ये दीदी जी अजी मतलब हम दो कपल जा रहे हैं, जब हम लोग ये गुजरात में थे, मैं दिल्ली में थी, तो ये बन जाएगा तो ब्लॉग बनाऊंगी, तब देख लीजिएगा। तो चलिए हमें ना पहुंच चुके, कहाँ पहुंचे, कहाँ है ईश्वरिया मंदिर, हम वहाँ पहुंच गए हैं। ये अभी बन रहा है, यहाँ पर काम चालू है जिसके बारे में बात कर रहे थे। अभी तो बन रहा है ना, हम दो कपल ही होते मोस्टली, जिया जी, दीदी और हबियन में और रिवान। शर्मा जाता है जब ये कैमरा देखता है ना, रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही, शर्मा जाता है लड़का। जिया जी और दीदी वहाँ चलेगा, वो क्या चीज है, देखिए जिया और दीदी और जिया जी देखिए क्या कर रहे हैं। वैसे एक बात कहूँ, जिया जी बहुत लविंग है। जिया जी पेड़ सही कर रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, मैंने इन्हें कहा था कि आप भी रेड पहनिए। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, तो इन्होंने मुझे झूठ बोला कि रेड पहन के बाहर मत जाना, नहीं तो बैल पीछे पड़ जाएंगे, और उस चक्कर में मैं सचमुच बाहर नहीं गई। फिर मम्मी से पूछा, फिर मम्मी ने मुझे बताया है। मैंने इन्हें भी कहा कि आप भी रेड पहनो, बैल पीछे पड़ेगा तो दोनों के पड़ेगा, लेकिन पहना नहीं। लेकिन मम्मी ने क्लियर कर दिया, तो इनसे ज्यादा ट्रस्ट मम्मी पे मुझे। अभी तक शर्मा रहा था, अब डरा रहा है। दीपड़ा आता है यहाँ पर। कौन आता है? दीपड़ा। वो कौन है, कौन है? वीडियो से हो बोला, मैं जो है पसी। मैंने डाल देना है, सब देखेंगे। सब देखेंगे तुझे ऐसे मुंह बनाता है तो। नहीं, नहीं। पूरा इंडिया देखेगा। रिवान को जैसे ही पता चला कि ये वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे, तो वैसे ही भागने लगा, उसे लगा सिर्फ ऐसे वीडियो शूट कर रहे हैं।
तो देख रहे हो कितना अंधेरा हो गया, कोई फायदा नहीं है वीडियो शूट मतलब रील वगैरह बनाने का, काफी है थोड़ा हम लेट हो गए। और उसके अलावा बादल आ गए, नहीं तो इतनी जल्दी इतना अंधेरा नहीं होता है ना, है ना। बस फाइन है इतना ही, नहीं तो थोड़ी देर बाद मैं दिखूंगी भी नहीं, फिर मिस इंडिया लगूंगी, फिर ये मुझसे काली हो जाएगी। दिख रहा है अभी, फर्क दिख रहा है। चलो इतना कंफर्म है कि दीवान सबसे गोरा है। अब हम दोनों में से बताइए कौन वाला कौन गोरा है। गोरे काले से क्या होता है, दिल मिलने चाहिए और वो मिल चुके हैं। अब वो मेरे हबी हैं, हमारी शादी हो चुकी है और मेरे लिए तो वही सबसे अच्छे हैं, और कोई अच्छा लगता भी नहीं है। हाँ अगर उनके बाद कोई अच्छा लगता होगा तो रिवान, बस और कोई अच्छा नहीं लगता। ये मेरा बेबी है, बहुत ही स्वीट है, ये हमेशा मेरे साथ रहता है। मुझे जब ये ड्यूटी चले जाते हैं तो मुझे लगता नहीं मैं अकेली हूँ, इसकी वजह से ये हमेशा मेरे साथ एंजॉय करता है, खेलता है, मज़ा आता है। चलो तो आज का व्लॉग ख़त्म यहीं पर ही, क्योंकि हम इसके बाद सीधे घर पे जाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो घर पे जाके वैसे ही डेली का हमारे घर पे मतलब 7:30 बजे खाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो फिलहाल अभी मम्मी ने शुरू कर दिया होगा, हम जब तक वहाँ पहुँचेंगे फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी, खाना खाएँगे, फिर बर्तन धोएंगे और फिर फ्री हो जाएंगे। और वैसे भी बारिश का मौसम है तो मुश्किल ही बाहर जाएं। वैसे आज प्लान था गोला खाने का, बर्फ़ का गोला खाने का, बट लगता नहीं है कि पॉसिबल हो पाएगा। अगर होगा तो वो भी मैं इसी व्लॉग में ऐड कर दूंगी, और अगर नहीं हुआ तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म। सो ओके बाय गाइस, टेक केयर, ख्याल रखे, जय श्री कृष्णा। बोलो बाबू जय श्री कृष्णा, बाय बाय।